नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। और यहां पर देख सकते हो आप अशोक लेलैंड BS6 गाड़ी अवतार सीरीज में कोट खाई की जो गाड़ी है, हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास जगह पड़ती है, वहां की जो गाड़ी है और 12 दिन में ये गाड़ी कम्प्लीट हुई है और प्रताप जी की गाड़ी है। और यहाँ पर देख सकते हो आप ऊपर सारा काम जो गिल ट्रक बॉडी ने किया हुआ है, और देख सकते हो आप ऊपर सारा स्टील का यहाँ पर वर्क हुआ हुआ है और भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है ऊपर, और लाइट्स देख सकते हो आप LED लाइट्स और साथ में लगी हुई है नेशनल परमिट, ऑल ओवर इंडिया परमिट। और यहाँ पर देख सकते हो आप बड़े शीशे इस गाड़ी के रखे हैं, सारा स्टील का वर्क है और साथ में हैंडमेड हैंडल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। वाइपर मशीन है वो नीचे फिट की हुई है, स्टील गोला साथ में रहता है। और जो शो है वो ओरिजिनल कलर हमने साथ में रखा है, और क्योंकि मार्केट कम हो जाती है गाड़ी की, इस वजह से हमने ओरिजिनल कलर ही गाड़ी में रखा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ भी बन रही हैं BS6 में, ये गाड़ी दारला घाट की है। और यहाँ पर अगर हम साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर हम आपको साइड में दिखाते हैं, ऊपर ट्राला बना हुआ है, टूल बॉक्स सारा स्टील का बना हुआ है ऊपर देख सकते हो आप, और बोले कि फौज करेगी मौज, सारा स्टील का ही काम हुआ हुआ है। और साथ में 2 इंची यहाँ पर हैंडल्स लगे हुए हैं, ऊपर पाँव रखकर आप चढ़ सकते हैं आराम से, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पर जेड का यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है, गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स का मार्का लगा हुआ है। और यहाँ अगर खिड़की की बात करें, यहाँ पर देख सकते हो खिड़की की आवाज़ बिल्कुल सूखी लकड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ हुआ है गाड़ी में। और यहाँ पर देख सकते हो कैबिन है जो मेटेलिक पेंट कैबिन का हुआ हुआ है इसी प्रकार से ऊपर और नीचे। और ये जो हमने मडगार्ड है ये भी साथ में पेंट किया है, क्योंकि कैबिन की मैचिंग इसके साथ हो रही है। और यहाँ पर स्टील व्हील कैप कस्टमर की चॉइस के रहते हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पर लगा लेता एक्स्ट्रा में। और बाकी बॉडी का रिव्यू हम आपको करते हैं, पहले हम कैबिन में चलते हैं एक बार। इसका आपका कैबिन आप देख सकते हैं, 3D कैबिन इस गाड़ी में हमने आपको बनाकर देना है, सारा सरमाइका 3D लगा हुआ है। यहाँ पर देखते हो हम अभी BS6 गाड़ी के अशोक लेलैंड के कैबिन में बैठ चुके हैं, और सारा जो सरमाइका लगा है वो 3D यहाँ पर सरमाइका लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर सीट कवर्स आपको यहाँ पर साथ में बने हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के सीट कवर्स, साथ में सीट्स बनी हुई है 5 इंची गद्दे के साथ, और काफ़ी खुला ये कैबिन आपको साथ में मिलता है। यहाँ पर 3 बंदे आराम से सो सकते हैं, और साथ में यहाँ पर गियर लीवर देख सकते हो आप, एडजस्टमेंट बिल्कुल आराम से की हुई है, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं। और जो ड्राइवर सीट है वो भी बहुत कंफर्टेबल बनाई हुई है, पीछे सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पर पॉकेट भी दी हुई है। और अगर हम पीछे की बात करें, सरमाइका देखते हो 3D डिज़ाइन यहाँ पर ट्राला बना हुआ है, कपड़े वगैरह टांगने के लिए यहाँ पर पाइप भी हम साथ में लोहे का बनाकर देते हैं। और यहाँ पर आप डिज़ाइन भी देख सकते हो, नीचे सारा स्टील का ही काम हुआ हुआ है, और बाकी यहाँ पर फैन लगा हुआ है 24 वोल्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हो। और पीछे में देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल चार्जर लगा हुआ है, ऑल आउट भी लगा सकते हो। और यहाँ पर जैसे आप मोबाइल चार्ज करेंगे तो मोबाइल आप यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर वायर लगाकर अडैप्टर के साथ, तो चोरी होने का डर नहीं होगा। और यहाँ पे साथ में 2 स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, और साथ में सामने तरफ म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। और इसी प्रकार से जो भी सारा ये काम हुआ हुआ है यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये सारा मैग्नेटिक बॉक्सेस का सारा काम हुआ हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। और पीछे की तरफ पूरे आपको सफाई के साथ सारा काम मिलेगा, अंदर आप देख सकते हो एक बार झलक, हर एक चीज़ को आप पूरी सफाई के साथ होगा काम सारा। और देख सकते हो आप जब भी आप यहाँ पे अंदर सामान रखेंगे, और यहाँ पर ढक्कन आपके पीठ के बल नहीं आएगा। और लाइट्स का काम देख सकते हो आप, अंदर LED लाइट साथ में लगी हुई है, कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप इसको अपने हिसाब से। बाकी आगे की तरफ देख सकते हो आप, ड्राइवर और कनेक्टर साइड के दोनों के लिए मिरर रहते हैं ताकि वो अपना फेस देख सके। और पीछे की साइड में यहाँ पर भी आपको मिरर मिलने वाला है। और जो साइड मिरर्स हैं अगर देखना, फ्रंट में हमने दो मिरर लगाए हुए हैं स्टील के खंडे के साथ, जयपुर स्टैंड का, वो यहाँ पर देख सकते हो आप, आराम से फ्रंट दिखा रहे हैं हमारी आगे वाली गाड़ी से कितनी दूरी हमारी यहाँ पर बनी होती है इस गाड़ी की। और यहाँ पर देख सकते हो आपको सामने यहाँ पर रैक पट्टी मिलेगी, ब्लोअर्स की ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर कंट्रोल बनाया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद मैग्नेटिक बॉक्सेस दोनों तरफ, आप यहाँ पर टोल टैक्स पर्चीज वगैरह आराम से डाल सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। इसी तरह से यहाँ पर देखो स्टील बॉक्स आपको साथ में बनाकर देंगे, और माता रानी जी का मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का और भोलेनाथ जी के परिवार का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। साथ में आपको फायर स्टॉप की ऑप्शन भी यहाँ पर कैबिन में मिलती है। बाकी लॉक करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड आपको रेलवे चिचकनी लॉक आपको साथ में मिलते हैं, ट्रेस्को लॉक और चिचकनी लॉक, और नीचे चौथा लॉक आपको लंबी चाबी वाला लॉक इस गाड़ी में साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको प्रेशर हॉर्न भी मिलेगा, एक बार हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखते हो प्रेशर हॉर्न का हम आपको एक बार साउंड चेक कराते हैं, 6 पाइप वाला प्रेशर हॉर्न आपको साथ में देंगे। यहाँ पर आपको
प्रेशर हॉर्न की आवाज़ हमने दिखाई, और चलिए हम एक बार आपको बॉडी का रिव्यू करवाते हैं। बॉडी की बात करें तो यहाँ पर ये गाड़ी है जो 20 फीट लंबाई में आ रही है, और नीचे की हमने यहाँ पर 10 बत्ते यहाँ पर डाले हुए हैं, जो क्रॉस मेंबर्स डाले हुए हैं लकड़ी को 10 डाले हुए हैं, और आगे और पीछे हमने टायर के मेन टायर के यहाँ पर डबल एंगल डाले हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और 4 फीट की यहाँ पर स्टील लगी हुई है, साथ में 1 इंची यहाँ से नीचे से बेंड की हुई है। उसके बाद ऊपर में हमने इस गाड़ी में गड़वी पाइप लगाया, उसकी पूरी मजबूती रहती है, और यहाँ पर साथ में आपको पाइप्स दे रहे हैं ताकि ऊपर वाले बत्ते आपको खोलने में आसानी रहे। और ऊपर में जो बत्ते हमने प्लेस किए हैं वो 5 बत्ते प्लेस किए हैं 20 फीट बॉडी में, ताकि पूरी ऊपर से मजबूती बनी रहे। और साथ में यहाँ पर दिल्ली जाला भी यहाँ पर साथ में लगा रहता है, यहाँ पर देख सकते हो आप, और इसी प्रकार से 3M रेडियम भी यहाँ पर साथ में लगी हुई है गाड़ी के। और खिड़की इस साइड रखी है, कनेक्टर साइड खिड़की रखी हुई है। अगर हम अंदर बॉडी का बात करें तो बॉडी में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लकड़ी का सारा फर्श लगा हुआ है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर बैक में यहाँ पर 3 चैनल्स लगे हुए हैं, और साथ में सीढ़ी बनी है। इसमें 5-5 इंच पर यहाँ पर बोल्ट्स का सारा काम हुआ हुआ है, और दूसरी बात इसमें लकड़ी वर्कर ही ठोस कर काम किया हुआ है। बाकी यहाँ पर आपको यहाँ पर कांटी भी डली हुई है, और 5 बत्ते हमने ऊपर की तरफ डाले हुए हैं। स्पेयर पौड़ी, स्पेयर पाइप और स्पेयर सरिया आपको साथ में मिलने वाला है। पीछे की तरफ आपको 1 फीट की यहाँ पर चादर भी लगाई हुई है फर्श के ऊपर, ताकि मजबूती रहे गाड़ी की। और डाले की हम आपको एक बार व्यू दिखाते हैं। डाले में आप देख सकते हो, यहाँ पर सारा जो काम है ब्लो हॉर्न वो रेडियम से सारा काम किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप, और स्टील का यहाँ पर साथ में सारा काम हुआ हुआ है, और 3M रेडियम और 28 इंच का डाला बना हुआ है, साथ में संगल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो बैक जालीज हैं वो मूवेबल जालीज नहीं, हमने स्टैंडिंग जालीज बनाई हैं इस गाड़ी में, क्योंकि LED लाइट्स को टूटने का डर रहता है। और साथ में यहाँ पर सेंसर भी लगे हुए हैं पाँव रखने के लिए, यहाँ पर दोनों जगह पर आपको पैर बादरी भी साथ में मिलेगी। बम्पर है जो ऊपर उसका लिफ्ट किया हुआ है ऊपर, और यहाँ पर स्टील प्लेट्स आपको साथ में मिलने वाली है। इसी तरह से अगर हम ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको स्टॉपर भी मिलेगा, जो पहाड़ पर आपको काम आएगा, आप गाड़ी रोकने में यहाँ पर आपको काम आता है, वो भी हम साथ में संगली लगाकर आपको साथ में देते हैं। और यहाँ पर आपको जो गर्दखुरे मिलते हैं वो देख सकते हो आप, एडजस्टेबल गर्दखुरे आपको यहाँ पर साथ में मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से बॉडी में नीचे की तरफ देख सकते हो आप, रकाबों का काम किया हुआ है, और साथ में यहाँ पर कोई वेल्डिंग चेसिस पर नहीं की, और यहाँ पर देख सकते हो सारे जो नट बोल्ट हैं यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कंपनी की तरफ से क्लैंप आए हैं उसमें किए हुए हैं। इस प्रकार से इस साइड भी आप देख सकते हो, ताकि चेसिस की पूरी फुल मजबूती रहे। और एक बार हम आपको और बताते हैं, जो नीचे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर जो डबल बत्ते हैं यहाँ पर देख सकते हो, उसमें हमने चैनर लगा हुआ है यहाँ पर, और चेसिस में हमने शेक नहीं किया, चैनल में शेक करके उसको पूरी पकड़ बनाई हुई है। इसी प्रकार से इस साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पर बोल्ट्स लगे हुए हैं, साथ में ही यू क्लैंपिंग भी की हुई है, बिल्कुल सूखी लकड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। फटा बॉक्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है गाड़ी में। बाकी सारा काम जो लकड़ी है वो सारी मलेशिया साल की नीचे वाली लकड़ी लगाई हुई है, बिल्कुल सूखी लकड़ी है, और एंगल क्वालिटी का एंगल यहाँ पर साथ में लगाया हुआ, सारी वेल्डिंग अच्छी तरह से की हुई है, AdBlue का यहाँ पर ऑप्शन रहता है, उसके बाद IGR ईट्स का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। एक और ख़ास बात हम आपको कनेक्टर साइड में दिखाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है गाड़ी में, कंपनी ने यहाँ पर TKU यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, अगर TKU गाड़ी में डालना पड़ जाए तो यहाँ पर है। अभी ड्राइवर ना तो बॉडी के पीछे से हाथ लगा सकता है और ना ही इस साइड से हाथ लगाता है, तो हमने इसको ओपन किया हुआ है, इसको ओपनेबल किया हुआ है, ताकि यहीं से ड्राइवर अपना हाथ या सर्विसमैन कोई भी जो तेल डाल रहा है तो उसको आसानी रहे, और यहाँ पर ये लॉक भी लग जाए। तो ये था जी फुल रिव्यू इस गाड़ी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना, और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।